वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 5 बज चुके होंगे और आपकी जीरो लेवल की क्लास शुरू हो चुकी है। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ बिल्कुल बेसिक ही टॉपिक के बारे में। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। एक बार ध्यान दें, गणित कोई बहुत ही कठिन विषय नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो आज से ये टेंशन छोड़ दें, आपको गणित आएगी आएगी और आएगी, ठीक है। जीरो लेवल की क्लास हर एक भाग देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक और भी भाग की आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जब क्लास खत्म होने लगेगी ये, तो लास्ट में आपको मिल जाएगा अगला भाग का, उस पर क्लिक करके अगली देखिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फोन का नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगी, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करिएगा, जो भी आपको जरूरत होगी आपको दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गणित में कुछ शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, उन्हें समझ लेना आपके लिए बहुत बड़ा महत्व उससे भी है। देखिए, जैसे कहीं बहुत जगह अक्सर आपने देखा कुल शब्द आता है, कुल, कुल धन कितना है, कुल कितने लोग हैं, कुल कितने मजदूर हैं, तो कुल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे, अगर कहीं अंतर शब्द आता है, अंतर, जैसे कहा जाए कि एक विद्यालय में 1000 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 500 गर्ल्स हैं, तो उनमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज में दोनों मतलब क्या है, टोटल स्टूडेंट और गर्ल्स में क्या अंतर है, मतलब उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब ये कम सटीक बैठा होगा, है ना। अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 99, सबसे छोटी संख्या मतलब 10, अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्या होता है, घटाना होता है, घटा दो बस भाई, हो गया ये, है ना, क्लियर। तो ये होता है अंतर। गुणा मतलब का है, मतलब होता है का मतलब गुणा। जैसे कहा जाए कि 8 का 2/5 जो है वो 9 के 1/3 भाग के बराबर है, तो 8 का 9/3 मतलब क्या हुआ, 8 × 9/3, समझ गए ना। अगर कहीं का शब्द का आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा। और आगे देखिएगा, एक और भी इसमें महत्वपूर्ण है, वो क्या है, एक और ये है, अगर कहीं ज्यादा की संख्या ज्ञात करना है तो हम गुणा करते हैं, कम की संख्या ज्ञात करना है तो भाग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि एक किताब का मूल्य 20 रुपया है, एक किताब, ध्यान दीजिएगा, एक किताब कितना रुपया है, 20 रुपया इसका मूल्य, ध्यान दीजिएगा। तो 5 किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए, कितने का, 5 किताब का। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी दशा में आप 5 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये 100 रुपया आ जाएगा, क्लियर। लेकिन लेकिन क्या, इसी का उल्टा कर दो ना भाई, अगर कहा जाए कि 5 किताब का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ये दूसरा मैटर है, तो एक किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, एक किताब का मूल्य को लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, और ये आ जाएगा 20 रुपया, समझ गए ना। यहाँ पे हमें ज्यादा का निकालना था, हमने गुणा किया था, यहाँ पर कम का निकालना है, हमने भाग किया है, समझ में आ गया ना। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं अपने सवाल पे दौड़ते हुए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे घर बनाने के लिए आपको बहुत सारे सिस्टम तैयार करने पड़ते हैं, नक्शे बनवाने होते हैं, इंजीनियर से मिलने होते हैं, ईंट सीमेंट मोरक बालू सब कुछ लाना होता है ना। उसी तरह से अगर मैथ सीखना है तो आपको पहले ये मोरक बालू तैयार करना है, समझ रहे ना, तभी तो अच्छा बनेगा। देखिए, एक लड़के के पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो चलो भाई 5 नोट बना देते हैं, नोट की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं चलो ये नोट हो गई, ठीक है, कितनी नोट है, 5 नोट है, ध्यान दीजिएगा, भागिएगा मत, बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं, 5 नोट हो गया, ठीक है। कह रहा 5 रुपए के 10 नोट हैं, इसका मतलब 5-5 का सिक्का है उसके पास, या नोट है, तो मान लेते चलिए ये नोट हो गई, कितना है, 10 है, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये कितना नोट हो गई, 10 नोट हो गई। तो उसके पास कुल कितनी नोट है, कुल शब्द आया है, कुल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, नोट, नोट की संख्या को जोड़ेंगे, रुपया नहीं जोड़ेंगे। कह रहा कुल कितनी नोट है,
तो हम क्या करेंगे, 10 रुपए के 5 नोट है, 5 में ये 10 जोड़ेंगे, समझ रहे ना। अगर कितने रुपया है बोलता तो ये 10 रुपया को 5 रुपया में जोड़ते। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहीं नहीं करेंगे कि 10 रुपया को इसके इसमें 10 नोट में जोड़ते, ऐसा नहीं होगा। रुपया रुपया में, नोट नोट में। अगर ये तो सवाल एक जैसे है, अगर थोड़ा सा अंतर हो जाए तो क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए। 10 रुपए के 5 नोट हैं तथा 2 रुपया के यहां पे लिख लीजिए 20 नोट हैं। अब देखिए सवाल अलग हो गया, तो कुल कितनी नोटें हैं, तो क्या करेंगे, 10 रुपए की कितनी नोट है 5 और 2 रुपए की कितनी नोट है 20। अब आप 5 में 20 जोड़ेंगे। अगर कहा जाए कुल कितना रुपया है, तो 10 में आप क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ेंगे। समझ गए ना, क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको जैसी जरूरत है वैसा कर लें। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तकें हैं, यदि कक्षा में कुल 37 विद्यार्थी हैं तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताएं कमेंट करके फटाफट, कितनी होगी। जो लोग जानकार हैं, जो लोग समझदार हैं, वो लोग तुरंत कमेंट करें, बहुत जल्दी करें। हो गया, आगे चलें। देखिए कक्षा 4 के, कह रहा है सॉरी 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तक है, इसका मतलब उसके पास 8 पुस्तक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा प्रत्येक के पास 4-4 है, इसका मतलब जो पहला विद्यार्थी, इसके पास 4 किताब है। क्यों भाई प्रॉब्लम कर रहे हो, जो दूसरा विद्यार्थी इसके पास भी 4 है, तीसरा जो है इसके पास भी 4 है, इस तरह से 37 विद्यार्थी है, सभी के पास 4-4 किताब है, ठीक है। तो टोटल 37 विद्यार्थी है, कितने हैं 37। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक के पास जितनी पुस्तक है टोटल जितने हैं गुणा कर देंगे। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 4 7 28 4 3 12 2 14 148, आपका उत्तर आ गया। आपकी कक्षा 4 की प्रसंगीय किताबों में ये पेज नंबर 10 पर दिया गया सवाल है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि जिसको भी गणित नहीं आती, ऑल इंडिया में पीबीआर स्टडी का नाम होना चाहिए, गणित से हताश और निराश हो चुके लोगों के लिए गणित का डर खत्म करना है। और ये मिशन तभी पूरा होगा जब आप लोग एक एक क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उनसे बोलेंगे वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, और वो जिनको शेयर करें वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, इस तरह से चैन जुड़ती चली जाएगी। और ये 50-52 हजार की संख्या बाबू 50-52 मिलियन में बदलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एक लोग के पास 3-3 स्मार्टफोन होते हैं आज के जमाने में, लैपटॉप और टीवी अलग से, है ना। तो जितने डिवाइस है उतना जगह पीबीआर स्टडी सब्सक्राइब होना चाहिए और हर जगह क्लास चलनी चाहिए ऑल इंडिया में। आप लोग सपोर्ट करें, गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी लेते हैं, बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, ठीक ना। सभी क्लास बिल्कुल फ्री होती है, केवल आपको क्लास ज्वाइन करना होता है बस। चले आगे, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा इसी तरह का। इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा ये बदल चुका है, कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4-4 पुस्तकें हैं ना, तो कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो कितनी पुस्तक होगी, जल्दी से बताएं। अभी पहले सवाल जो आपने देखा उसमें 37 स्टूडेंट थे, अब 20 स्टूडेंट हो गए, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, जल्दी से ऑप्शन कमेंट करें कौन सा सही है। और फिर अगला सवाल आपके सामने बस तुरंत चंद सेकंड में, जल्दी से कमेंट करें, तुरंत करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं पार नहीं होती। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार सवाल आपकी दैनिक जीवन से मिलता जुलता, अक्सर आप लोग दुकानों में बाजारों में कुछ सब्जी और फल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपके साथ कैसे घपला करते हैं आप समझ नहीं पाते, और वो हम आपको यहां समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन केले का मूल्य 24 रुपए है तो एक केले का क्या मूल्य होगा। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हो चुका है, दुकानदार बोलते हैं साहब चेंज नहीं है, और चलिए 5 रुपए चेंज नहीं मिल रहा है, 10 रुपए 1 किला और डाल देते हैं, है ना, ऐसा होता है। मान लेते हैं केले का मूल्य 24 रुपए है और दुकानदार बोलता है कि 5 रुपए चेंज नहीं, 6 रुपए, आप उसे 30 देते हैं। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा, 24 रुपए का एक दर्जन केला है, आपने दुकानदार को 30 की नोट दिया, है ना, 30 की नोट दिया, तो
दुकानदार ने कहा भाई 6 रुपए चेंज नहीं है, चलिए 1 केला और डाल देते हैं या फिर 2 केला और डाल देते हैं, लेकिन आप उस समय अनदेखा कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि हमारा क्या जा रहा है या आ रहा है, कीमत यहाँ पैसे की नहीं यार, कीमत आपके ज्ञान की है, बात समझने की है, ठीक ना। तो अगर वो दुकानदार 1 केला के बदले 2 केला भी डाल देता और तब भी आपका नुकसान है, उसका फायदा है, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब 1 दर्जन केला 24 का है, इसका मतलब आपको यह अनुमान लगाना है कि 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको 12 से भाग दे दो ना, ये 12 × 24 यानी 1 केला का मूल्य मात्र 2 रुपया है, और दुकानदार आपसे कितना रुपया ले रहा है, 6 रुपये ले रहा है, अगर 1 केला डाल रहा है तो 6 रुपये ले रहा है केले का, अगर 2 डाल रहा है तो कितना ले रहा है, 3 रुपये ले रहा है, समझ गए ना। तो इस तरह से क्या होता है, हुआ ना नुकसान, लेकिन वो कभी भी 3 केला नहीं डालेगा, अगर बोलेगा कि भाई चलो नहीं है 6 रुपये तो 3 केला कभी ज्यादा नहीं देने वाला, समझ रहे ना। यहाँ बात पैसे की नहीं, हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उसे समझने की कोशिश करें, जिससे भविष्य में आप कहीं भी मतलब किसी मुश्किल में ना पड़े, समझ रहे ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलते चलते आपको याद दिला दें जो ऊपर नंबर दिया गया उसे नोट कर लें, स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है इसको नोट कर लें, आपके लिए बहुत ही काम का है। देखिए ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, अपने फोन में सेव कर लें, 24 से 72 घंटे को आपका इंतजार करना होगा, उसके बाद आपको हमारी व्हाट्सएप स्टेटस दिखने लगेगी और व्हाट्सएप स्टेटस में आपको हमारे क्लास की लिंक मिल जाया करेगी, ठीक है ना, सारी अपडेट मिल जाएगी, कौन सी क्लास कब हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, टाइम शेड्यूल में क्या अंतर हो रहा है, कौन सी क्लास कब लेट हो रही है, कब पहले हो रही है, सब कुछ आपको हमारे व्हाट्सएप की स्टेटस में देखने को मिल जाएगा। ये कतई उम्मीद मत करिएगा बाबू कि हम आप सभी को भेज के मैसेज बताएंगे, लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करके जान जाएंगे, क्योंकि 50,000 लोगों को 1,00,000 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज पाना मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर हम आपको एक ही दे पाते हैं, अभी हमारी टीम ग्रो नहीं उतना, जब ग्रो हो जाएगी तो हम आपके लिए कई व्हाट्सएप नंबर लाएंगे और फिर आपको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप गणित के सिवा इसी तरह से और मनोरंजक तरीके से पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और भी पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, खेलते खेलते कहते हैं ना खेल कूद में पढ़ना सीखें, फेसबुक पर मौज मस्ती के साथ साथ पीबीआर स्टडी को पेज को लाइक कर दें, जिससे कि आपको सारी अपडेट फेसबुक पर भी मिलती रहे, और इतना ही नहीं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, और टाइम का शेड्यूल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ को आसान बनाने के लिए मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पीबीआर स्टडी के 2 और यूट्यूब चैनल हैं, एक पीबीआर स्टडी ग्रुप और एक पीबीआर स्टडी ब्लॉग, पीबीआर स्टडी ग्रुप की अपनी अलग ही पहचान है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और पीबीआर स्टडी ब्लॉग में आप हमारी पूरी टीम से संबंधित जो कुछ स्पेशल चीजें होती हैं उस पर आप ब्लॉग्स में पा सकते हैं। तो सभी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा, आप सभी को मैथ आएगी ये गारंटी हमारी है, आपको टेंशन नहीं लेना आज से, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, बिल्कुल समझ में आने की 100% गारंटी, अगर नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अवधेश सर आपको उसका सलूशन देंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, और ऊपर जो नंबर दिए गए इन पे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे 33 की जगह पे आप 32 का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाकी नंबर सेम टू सेम है। तो हमने आपके लिए 3 नंबर जारी किए हैं, और ऐसा कोई YouTube पे चैनल नहीं होगा, आपने नहीं देखा होगा आज तक, पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जो आपके सभी सब्सक्राइबर सभी स्टूडेंट को अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें, क्योंकि इतना झेल पाना आसान नहीं होता है, कोई भी आप देख लीजिए जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं छोटे हैं कोई भी जल्दी से अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है ना, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप लोग हमारे एक फैमिली की तरह हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें। आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ, इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाजत, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।